पल पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चार लाइनें सुनाऊंगा मैं। कुछ लाइनों में मैं वो बात करूंगा जो राष्ट्रपति जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में भी नहीं जिक्र किया। मैं अपने बीजेपी के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो बातों का जिक्र है जो ना बजट में आई, जो ना राष्ट्रपति जी के भाषण में आई। जरा गौर से सुन लीजिएगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम आम जनता की पहुंच से दूर हो रहे हैं। सर 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 प्लीज, एक कविता है बस, चार लाइनें। पेट्रोल और डीजल के दाम आम जनता की पहुंच से दूर हो रहे हैं। किसान पूरे देश में खुदकुशियों करने पर मजबूर हो रहे हैं। व्यापारी अभी उठ नहीं पाया जीएसटी और नोटबंदी की मार से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि अब तो आपको बने हुए पूरे 4 साल होने वाले हैं, इन 4 सालों में आपने बहुत जुमले सुना ले हैं, एक बार सच सच बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। और मैं कहना चाहूंगा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का इरादा कहां गया? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया? कब तक इस देश के नौजवान बेरोजगारी की आग में जलेंगे या फिर बीए एमए करके पकौड़े तलेंगे? आप लोग सिर्फ भाषण देने वाले हैं और भाषण के ढंग भी आपके निराले हैं। उसी ढंग से बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। सर 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 लास्ट लास्ट सर लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया बोलकर देश के नौजवान डिजिटल इंडिया बोलकर नई उम्मीद जगा दी देश के नौजवानों में और देश को उलझा रखा है खिलजियों शाहजहां और टीपू सुल्तानों में। और सरकार की योजनाओं का लाभ व्यक्ति कुछ खास ले रहे हैं, सन्यासी व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी सन्यास ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी जहां भी जाने वाले हैं लोग उनसे यही सवाल उठाने वाले हैं कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं। जिस देश का 73% धन, जिस देश की 73% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास हो, उस देश के गरीबों का हाल क्या है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बुढ़ापा पेंशन को उड़ीकते बुढ़ापा पेंशन का इंतजार करते लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं। गरीब इलाज के बिना मर रहा है। नरेगा जैसी स्कीमें जो गरीबों के लिए बनाई थी उनसे काम करवा लिया जाता है, लेकिन साल साल डेढ़ डेढ़ साल उनको उस काम के पैसे नहीं मिलते, मजदूरी नहीं मिलती। जब भी हम गांव में जाते हैं सबसे ज्यादा शिकायतें इसी बात की होती हैं, हमसे नरेगा में काम करवा लिया गया लेकिन पैसे नहीं मिले। सर, जो नरेगा के मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, दे आर हैंड टू माउथ। वो जो उसी दिन काम करते हैं, उसी दिन कमाते हैं, वही उसी दिन खाते हैं, वो उधार करने की स्थिति में नहीं होते। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इस सरकार की हर योजना 2022 तक क्यों जा रही है? क्या इस बार 2019, 20 और 21 आने वाला नहीं है? किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे कब? 2022 में। कच्चे मकानों को पक्का बना देंगे कब? 2022 में। आदिवासियों के बच्चों को शिक्षित कर देंगे कब? 2022 में। भाई 19, 20 और 21 कहां गई? आपने तो 100-100 दिन के वादे किए थे 100 दिन में ये कर देंगे, वो कहां गए? मैं आपको अल्पसंख्यकों की हालत बताता हूं। सर, मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक शहर है और विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है मलेरकोटला, मुस्लिम बहुतात आबादी है। उसमें सरकारी कॉलेज है मलेरकोटला में, लगभग 1.25 लाख से ऊपर उसकी आबादी है। आपको जानकर ताज्जुब और हैरानी होगी सर कि वहां पर कॉलेज है लेकिन मैट्रिक के बाद +1 और +2 पढ़ने के लिए बॉयज के लिए स्कूल नहीं है। मुस्लिम लड़के जो हैं वो इधर उधर के गांवों में जाके 2 क्लास करके
प्लस वन और प्लस टू पढ़ के फिर सरकारी कॉलेज में आते हैं। जो लड़कियों का कॉलेज, जो लड़कियों का स्कूल है प्लस टू का, वहां साइंस की क्लासें नहीं है, दो शिफ्टों में चलता है, इतना ज्यादा बहुतात है लड़कियों की। और मौलाना आजाद फाउंडेशन के पास इतना पैसा पड़ा है मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए, पता नहीं कहां यूज हो रहा है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पंजाब के किसान को कर्जा मुक्त कब करोगे? कोई नाम ही नहीं लिया गया बजट में भी और राष्ट्रपति जी के भाषण में।